बिजली के निजीकरण के खिलाफ यहाँ पे अजीज शेख उर्फ बाटा ने यहाँ पे जो भांडुप डिवीजन में जो पैदल पद यात्रा का जो यहाँ पे आज आयोजन किया है, इस बारे में हम पूछते हैं। अजीज भाई, आपकी आज पैदल यात्रा के बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कोसा कब्रिस्तान से मुमरा स्टेशन तक के तो बड़े आराम से पहुँच गया हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है इसी तरह मुमरा के लोगों के लिए, कलवा के लोगों के लिए, शील के लोगों के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ वो हिम्मत मुझे मिल रही है, वरना मैंने कभी 20 किलोमीटर चलने का एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आप कलवा, मुमरा और शील के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी तादाद इन इलाकों की है उसमें से कोई नज़र नहीं आ रहा, इस बारे में? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था मुझे माशाल्लाह, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये कि पुलिस ने मुझे परमिशन नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर का बताया, ट्रैफिक का बताया, जो भी XYZ मसला उन्होंने बताया। मैं ये सोचा कि परमिशन नहीं दे रहे, मुझे निवेदन ही देना है, कोई धरना आंदोलन तो करना नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं, अकेले भी जाएंगे तो निवेदन दिया जा सकता है, और इसी बहाने लोगों की तकलीफ भी बच गई। आप ही के पार्टी के भी कुछ लोग इसमें शामिल नहीं है, उनको भी तो, ये तो जनहित का मुद्दा था, उसमें आप उनके लोगों को साथ में पार्टी के लोगों को आना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं कि आज 20 तारीख है और आज थाने महानगर पालिका में महासभा है, तो उसके लिए कल मीटिंग नहीं हुई थी, गट मीटिंग, उसके लिए सारे नगर सेवकों को आज महासभा के पहले ही जो है ना 9:30 बजे की गट मीटिंग के लिए बुलाया गया, इसलिए आपको मेरे साथ वो दिख नहीं रहे, ये एक टेक्निकल जेन्युइन वजह है, वरना सबकी दुआएं मेरे साथ है, और हो सकता है अगर महासभा जल्दी ख़त्म हो जाए तो वो लोग भी मेरे साथ निवेदन देने हाजिर रहेंगे। सिर्फ आज आप निवेदन ही देंगे या कुछ और? नहीं, मेरी निवेदन में ही मेरी सारी मांगे है कि प्राइवेट को ना जाए, और इशारा भी है बड़े आंदोलन का आगे चल के अगर दे दिया गया तो। शेख यहाँ मुमरा से भांडुप के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं, वो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करने वाले हैं, और इसलिए वो कर रहे हैं कि मुमरा कोसा शील विभाग जो MSEB का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है बिजली का, उसके खिलाफ उन्होंने ये पैदल पद यात्रा निकाली है। अलमास कॉलोनी से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, अलमास कॉलोनी, दारुल फला और मुमरा स्टेशन के पास उलमाओं की तरफ से उनका सत्कार किया गया और उनके लिए दुआएँ की गई। आज मुमरा में सुबह में जो 9 बजे जो पदयात्रा अजीज शेख ने निकाली थी, वो तकरीबन अभी 1:30 बजे का वक्त हो चुका है, वो यहाँ पे भांडुप डिवीज़न जो MSEB का कार्यालय है वहाँ पे पहुँच चुकी है। उनका स्वागत मुमरा के अलावा कलवा, मुलुंड चेकनाका, भांडुप, सोनापुर सहित यहाँ पे जो फेडरेशन के जो यूनियन है उनकी तरफ से भी उनका सत्कार किया गया है। फ्रेंचाइजी के खिलाफ में अपने मुमरा के अजीज बाटा साहब यहाँ पे अपना निवेदन लेकर यहाँ पे आए हैं। हम MSEB वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सरकार से हमारी ये मांग है कि जहाँ जहाँ भी लॉसेस है, बिजली की चोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी है, ये पहले दूर की जाए, और अगर वो दूर की गई तो मुझे नहीं लगता कि खाजगीकरण करने की कोई आवश्यकता है। कोई निवेदन जो दिया गया उसमें क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला है, बोला ये गया कि ये पॉलिसी मैटर है, इसका हमारा HOE हेड ऑफिस जो वही डिसीजन लेता है, और बोले ठीक है हम आपका निवेदन हेड ऑफिस तक के पहुंचा देंगे, और हम भी यही चाह रहे थे कि आज एक फॉर्मल निवेदन दे दिया गया है, उसमें बाकायदा तरीके से मेंशन किया गया कि अगर ये टेंडर कैंसिल नहीं होता है तो आने वाले टाइम पे हमारे शहर में हम लोग बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं आज भी मांग करता हूँ कि इसकी जो है जाँच की जाए कि इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट में दिए, हमारे आमदार ने लाया, अजीत दादा ने दिया इतना पैसा, मेरा वो पैसा गया कहाँ और वो ज़मीन पे क्यों नहीं काम लगवा? तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, और MSEL ये चाह रही है कि जल्दी से ये भ्रष्टाचार दब जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए ताकि ये भ्रष्टाचार दब जाए। अभी इतना बड़ा मुद्दा अजीज भाई ने लेके निकाले हैं, उसमें पार्टी के कोई शामिल नहीं है, लोग कार्यकर्ता भी शामिल नहीं? देखिए ऐसा है कि पूरा शहर का इसमें समर्थन है, अब कोई आया नहीं आया इसकी इतनी
फिक्र भी नहीं रहती। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के अंदर कहीं महाराष्ट्र सरकार और जो केंद्र सरकार का हाथ तो नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये कहीं ना कहीं अभी हमने जो अधिकारी को निवेदन दिया तो अधिकारियों ने सीधा हाथ उठा लिया कि हम क्या करें, ये तो पॉलिसी मैटर है, मतलब उनसे बात करना ही बेकार है। तो ये पॉलिसी मैटर है और ये जानबूझ के पर्टिकुलर माइनॉरिटीज एरिए को जानबूझ के दिया जा रहा है। पैदल यात्रा के लिए अजीज शेख निकले थे, उनसे बात करने के बाद उन्होंने बताया है कि हमने यहाँ पे निवेदन दिया है और ये एक पॉलिसी मैटर है और ये आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और जो भी फैसला होगा वो सरकार करेगी। वहीं सीनियर लीडर सैयद अली भाई साहब से बात करने के बताया इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शामिल है, इसकी हम हमेशा से मांग करते आए हैं। जो करोड़ों का जो यहाँ पे 900 करोड़ का घोटाला हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पे इसके लिए CBI की मांग की है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, ब्रहा टाइम्स।